प्रेम की कहानी प्रेम की जुबानी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं जिनकी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई और नहीं, मेरे उस्ताद, मेरे गुरु और मेरे आइडियल है, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखता रहूंगा। उनका नाम है प्रेम, नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। कहते हैं कि मैं आपकी कॉपी करता हूं, आपको कोई रिएक्शन? मैंने कहा यार, मेरी वजह से अगर तुम्हें फायदा हो रहा है, दिस इज ए ग्रेट थिंग, यानी कि ये बहुत अच्छी बात है, करो यार। तुमको अभी अभी हालत ये है साहब कि मुझसे ज्यादा मेरे डायलॉग उसको यार मुझे पूछना पड़ता है यार कौन सी पिक्चर का डायलॉग बोल रहे। अच्छा, खुद भी बहुत मेहनती है, टैलेंटेड गाय, तो टैलेंट होता है, हार्ड वर्किंग है, तो अपना मुकाम उसने बना लिया है जबरदस्त। अभी एक अमेरिकन फ्यूचर कर रहा हूँ मैं, द फील्ड जो आने वाली है, उसमें मेरा यंगर चाहिए था उनको वर्शन, तो मैंने विश्वजीत का नाम रिकमेंड किया, उसने मिल गई वो पिक्चर में, जो मेरी कहानी है, आई एम गॉड फादर इन दैट पिक्चर, तो किया उसने, और लोगों ने, डायरेक्टर ने भी देखा कि अमेरिकन एक्टर ने कि ठीक है इसको यूज कर सकते हैं, यंगर प्रेम चोपड़ा, तो कर करा के फिर अच्छा है, उसका अपने मुकाम बन गया। दोस्तों, आप समझ गए कि आज मैं आपको किसका किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। तो आज मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ प्रेम चोपड़ा जी का। प्रेम चोपड़ा जी से मैं मिला 1997, मेरे ख्याल से फर्स्ट मुलाकात, जब मेरा एक जब प्रोग्राम आया था बूगी वूगी, उसमें मैंने डांस किया था, कितना मजा आ रहा है। और ये डांस प्रेम चोपड़ा जी का इतना पॉपुलर है कि आज भी इस गाने में बहुत मजा आता है। और उसके बाद जब मेरी शादी हुई, मैं और मेरी वाइफ गए, फिर उसके बाद मेरा बेटा पैदा हुआ, अभी आप देखिए 8 महीने का है इस फोटो में जो आप देख रहे हैं, और आज मेरा बेटा 23 साल का है। अगर आप 2 मिनट दो तो मैं आपकी लाइफ बदल सकता हूँ। एक्टिंग करता है, टीवी सीरियल्स कर रहा है, वेब सीरीज कर रहा है, तो तब से लेके आज तक प्रेम जी का मेरे से प्रेम है, मेरे सर पर उनका हाथ है। और कुछ लोग कहते हैं क्या प्रेम चोपड़ा जी की कॉपी करते हो, तो मैं बोलता हूँ सुनो, सबने सबकी कॉपी की, लेकिन प्रेम चोपड़ा जी की कॉपी करना, उनकी एक्टिंग करना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। हाँ, और कॉपी कौन नहीं करता है। तो प्रेम चोपड़ा जी के पास इतना प्रेम है। आज भी मैं 27 साल हो गए मेरे ख्याल से, मैं आज भी उनके घर पे आता हूं जाता हूं आता जाता रहता हूं। इतना प्रेम है, क्योंकि उनका नाम ही प्रेम है, और वो सबसे प्रेम करते हैं। ये बात नहीं है कि मैं उनका लुक के लायक हूं तो मुझसे ही प्रेम करते हैं, नहीं, वो इंसान सबसे प्रेम करता है, ऐसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। और ज्यादा क्या तारीफ करूं, सूरज को चिराग दिखाने की बात होगी। तो मैं, चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं, प्रेम चोपड़ा जी का एक किस्सा सुनाता हूं, उन्होंने मुझे सुनाया है। प्रेम चोपड़ा जी ने एक बार मुझे बताया कि जो तुम ये डांस करते हो कितना मजा आ रहा है। ये जब मैं राजा जानी की शूटिंग कर रहा था तो पीएल राज थे डांस डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि आपको हेमा जी के साथ ये डांस करना है, क्योंकि गाना तो पूरा हेमा जी पे था, कितना मजा आ रहा है, लता मंगेशकर जी ने गाया है ये गाना। तो प्रेम चोपड़ा जी ने कहा जब मैंने ऐसा किया तो कैमरामैन जो है वो हंस हंस के गिर गया, बाकी भी सब हंस हंस के गिर गए, कोई किधर लोटपोट हो रहा है, कोई किधर लोटपोट हो रहा है, और प्रेम चोपड़ा जी लगे हुए हैं अपने डांस में। तो दोस्तों, राजा जानी में मेरे ख्याल से 4 या 5 सॉन्ग्स थे, सबसे अच्छा सॉन्ग यही था कितना मजा आ रहा है, और आज भी ये सॉन्ग सुनो तो वाकई में मजा आता है। मैं स्टेज पे जूनियर महमूद एंड नाइट में मैं जब जाता था, ये शो करता था, और इस शो में 4-5 स्टैंड अप कॉमेडियन होते थे, मैं भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूं, लेकिन मुझे जूनियर भाई कहते थे कि सब एक ही कर रहे हैं, एक्टरों की आवाज निकाल रहे हैं, तुम ये करो, प्रेम चोपड़ा जी का डांस करो, कितना मजा आ रहा है। और जब मैं ये डांस करता था तो पब्लिक चिल्लर उड़ाती थी मेरे ऊपर, बाय गॉड,
और वंस मोर होता था गाना, और आज भी मैं ये मंच पे डांस करता हूं कितना मजा आ रहा है, तो आज भी वंस मोर होता है। इतना प्रेम चोपड़ा जी ने इस गाने में जो जान डाली है, क्या बात है। आई लव यू प्रेम चोपड़ा जी, आई लव यू सर, क्या बात है। और एक किस्सा सुनाता हूं जो मुझे प्रेम चोपड़ा जी ने सुनाया, काफी साल पहले सुनाया था, कि दोस्ताना मूवी की शूटिंग हो रही थी और क्लाइमैक्स फिल्म आ रहे थे कि बच्चन साहब को और शत्रु जी को बांध के रखते हैं और जिना तमान जी को, और प्रेम चोपड़ा जी का रोल है कि वो हंटर मार रहे हैं। तो अमित जी को हंटर मारा और पूछा, है तो मैं कहीं लगा तो नहीं हंटर? अरे नहीं नहीं लगा भाई, आप बिंदास मारिए। ओके, फिर उन्होंने शत्रु जी को मारा एक हंटर और पूछा, है आपको कहीं हंटर लगा तो नहीं? अरे भाई बिंदास हंटर मारिया, मुझे बिल्कुल नहीं लगा है, आप निश्चित रहिए। ओके, फिर दोनों को हंटर मारा, फिर दोनों को पूछा, तो मैं कहीं चोट तो नहीं लगी? तो बच्चन साहब ने कहा, अरे भैया प्रेम जी ऐसा है, आप बिंदास मारिए ना, हमें लगेगी तो हम बता देंगे भाई। फिर शत्रुघ्न सिन्हा जी को मारा, फिर पूछा, आपको लगा तो नहीं? बार बार आप मुझसे की बात पूछ रहे हो, मुझसे और अमित से लगे तो नहीं, लगे तो नहीं, जब लगेगी तो हम बता देंगे कि हमें हंटर लग रहा है, लेकिन बार बार आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? तो प्रेम चोपड़ा जी ने कहा, मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूं कि एंड में तुम दोनों यही हंटर लेके मुझे मारने वाले हो, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। तो ये इनका था दूसरा किस्सा। तो दोस्तों फिर से मैं आपके सामने आऊंगा और किस्सा सुनाऊंगा, और कैसा लगा आपको ये प्रेम चोपड़ा जी का किस्सा? अगर आपको ये किस्सा अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तो प्रेम की कहानी, प्रेम की जुबानी, मैं इसी तरह मैं आपके सामने आता रहूंगा, आपका दिल बहलाता रहूंगा। और दोस्तों इससे जो मैंने अभी लास्ट वीडियो बनाई थी जूनियर राजेश खन्ना को लेके, इसमें मुझे 2000 व्यूज मिले, अच्छे कमेंट्स, अच्छे सब्सक्राइब मिले, तो इसके लिए आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।